सैनी समाज का शिष्टमंडल आज राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री जाहिदा खान से प्रदेश संयोजक सैनी समाज के मुरारीलाल सैनी के नेतृत्व में मिला है और अपने आरक्षण की मांग से मंत्री जाहिदा खान को अवगत कराया है। क्या है पूरा मामला जानते हैं प्रदेश संयोजक सैनी समाज मुरारीलाल सैनी से। वह बताएंगे हमें किस तरीके से उन्होंने अपनी मांग मंत्री जाहिदा खान के सामने रखी है और किन किन बिंदुओं को लेकर इन्होंने चर्चा की है। जी, क्या समस्या है आपकी और क्या क्या मांग है? हमारी राजस्थान प्रदेश में माली सैनी कुशवाहा शाक मौर्य जो समाज रहता है उसको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में ये समाज लगभग 80% गरीब है, बीपीएल से नीचे जीवन यापन करता है। तो हमने आज जाहिदा खान जो राज्य मंत्री हैं उनके सामने हमने अपने 12% आरक्षण की मांग को रखा कि आप भी सरकार के सामने हमारी मांग को रखें और आरक्षण दिलाने का काम करें। और मंत्री महोदय ने ये आश्वासन भी दिया है कि आपके सरकार आपके साथ रहेगी, आपको आरक्षण देने के लिए हम सरकार से मजबूती से अपनी बात रखेंगे। और क्या किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो समाज है इसके लिए आरक्षण दिया जाए, और आरक्षण की मांग हम सभी विधायकों से, राजस्थान के जो 200 सीट हैं, 200 पे जो विधायक होते हैं चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हम उनसे भी सबसे निवेदन करें, क्योंकि 33 जिलों में माली सैनी समाज रहता है। आपका 5 दिन का जो धरना चला उसके बाद क्या आपको काम? नहीं, हमारे जो 2013 से माली सैनी समाज का जो आरक्षण का मांग चल रही है सरकार से, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमने उससे बार बार निवेदन किया है, और उसके बाद सैकड़ों हमने 6,500 लगभग नुक्कड़ सभाएं की, उसके बाद सैकड़ों तहसील हेडक्वार्टरों पर SDM को 12% आरक्षण के लिए ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम, उसके बाद में 3300 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम। तो हम लोगों ने जब सरकार ने हमारी ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 जून को हम लोगों ने हाईवे जाम करने की घोषणा की, और सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए भरतपुर जिले की नदबई तहसील के अरोदा गांव के पास नेशनल 21 नंबर हाईवे को 5 दिन तक जाम रखा। उसके बाद में सरकार की अप्रूव कमेटी आई, उसने मुख्यमंत्री से वार्ता कराई और उसमें आश्वासन दिया गया, जिसमें बोर्ड की मांग जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो कांग्रेस सरकार ने माली सैनी समाज की पूर्ति की है उसके लिए हम कांग्रेस को बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरकार यदि आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो राजस्थान प्रदेश में जो माली सैनी कुशवाहा शाक मौर्य समाज जो 17 नामों से जाना जाता है वो कड़ी से कड़ी जुड़ चुका है, और वो कांग्रेस यदि आरक्षण देगी तो कांग्रेस को अगले साल, अगले जो साल चुनाव आने वाला है वोट डलने वाले हैं, तो ये समाज कांग्रेस को वोट डालेगा पूरे राजस्थान। ये थे प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है अगर राजस्थान सरकार सैनियों को आरक्षण देती है तो अगले आने वाले विधानसभा चुनावों में पूरा सैनी समाज तन मन से उनके साथ समर्पित रहेगा और कांग्रेस को वोट करेगा।